जिन जिन बच्चों ने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरा था उनके लिए एक अच्छी खबर है। रेलवे ने एक नोटिस जारी करके बताया है कि उन बच्चों का फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या फॉर्म कैंसिल हो गया है। ये अब जो स्टूडेंट है कल 12 बजे से यानी कि 25 जुलाई 12 बजे से चेक कर पाएंगे कि उनका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या कैंसिल हो गया है। तो आज मैं वीडियो में यही बताऊँगा कि आप अपना फॉर्म कैसे चेक करेंगे। तो इससे पहले सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप फटाफट इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि वो भी अपना फॉर्म का स्टेटस देख पाएंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए यही वो नोटिस है जो रेलवे ने आज पब्लिश किया है। इसमें उन्होंने लिखा है अप्लीकेशन वर कॉल फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ लेवल वन, यानी कि जो रेलवे ग्रुप डी लेवल वन का जो एप्लीकेशन था, एप्लीकेशन नोटिस नंबर RRC 01/2019, द स्क्रूटी ऑफ एप्लीकेशन हैज़ बीन कंप्लीटेड एंड द कैंडिडेट्स कैन व्यू देयर स्टेटस। तो कैंडिडेट जो अपना स्टेटस देख पाएंगे कि उनका फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट हुआ है या फिर रिजेक्ट हो गया है। तो इसके लिए जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जैसे ही लिंक आता है मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। और देखिए सभी जोनों का एप्लीकेशन स्टेटस जो है वो आ गई है और ये आप देख पाएंगे 25/7 को 11:59 से लेके 31/7 तक, यानी कि 25 तारीख को 12 बजे से लेके आप 31 तारीख के 12 बजे रात तक के देख पाएंगे। तो आप इस वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए और मैं आपको बताता हूँ कि आपको देखना कैसे होगा। तो इसके देखने के लिए आपको मैं वीडियो के नीचे एक लिंक दूंगा। लिंक जैसे आप क्लिक करेंगे आप इस तरह से एक पेज ओपन होकर आएगा। तो उसमें आपको सिंपल सा आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है जो आपने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरा था उस समय आपको मिला होगा वो इस वाले कॉलम में आपको भरना है, ठीक है। उसके बाद इसके नीचे एक और कॉलम होगा पासवर्ड का। आपको घबराना नहीं, पासपोर्ट में आपको आपका अपना डेट ऑफ बर्थडे डालना है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ डालना है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ भी था जैसे 2345 78 ऐसे था, तो आपको पहले अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर देना है। उसके बाद आपको सिंपल सा नीचे आके यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि आपका डेट ऑफ बर्थ है 16 अक्टूबर 1900, उसके बाद आपको इस वाले कॉलम में आपको अपना पासवर्ड डालना है। पासवर्ड आपको इस फॉर्मेट में होना चाहिए जैसे 16/10/1989 लिखना है, बीच में आपको हाइफन ए प्लस नहीं दबाना है। तो वीडियो अच्छा लगे तो फटाफट इसको लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए।